वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए आज हम जो स्पेसिमेन क्वेश्चंस दिए हैं फिजिक्स के क्लास 10 आईसीएसई उसका हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें 40 मार्क्स का दिया है, तो इस वीडियो में हम 20 मार्क्स का डिस्कस करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम और 20 मार्क्स का। तो क्योंकि मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम सिर्फ दो क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन इस तरह से है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहला है, कलर ऑलवेज चेंजेस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ अ मीडियम इज रिफ्रैक्शन। स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर of different optical density. Speed of light does not change when it enters from one optical medium to another of different optical density. तो इसमें सबसे पहले बात है कि कलर चेंज नहीं होता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा इसलिए कलर चेंज नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट when it strikes the surface of a medium is refraction. So refraction is not the absorption of light, refraction is the bending in the path of light. तो ये भी wrong है। Speed of light changes when it enters from one optical medium to another medium. तो ये right है, क्योंकि last वाला speed does not change. Last वाला देखिए, speed does not change when light enters from one medium to another medium. तो स्पीड चेंज होता है इसलिए रिफ्रैक्शन होता है। तो ये नंबर सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन का है नंबर सी। तो यहाँ पर देखिए आपको जो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन एंड उसका रीज़न अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया, दूसरे क्वेश्चन भी देखेंगे। व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। इसमें भी चार ऑप्शंस है। पहला है, द लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट रिमेंस द सेम। तो पहला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, क्योंकि डेंसर टू रेयरर मीडियम में अवे फ्रॉम नॉर्मल जाता है, इसमें टुवर्ड्स द नॉर्मल लिखा है जो कि रेयरर टू डेंसर में जाने के लिए होता है, तो ये ठीक नहीं है, इट्स रॉन्ग। सेकेंड इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये राइट हो जाएगा क्योंकि अवे फ्रॉम जाता है, ये डेंसर टू रेयरर में जाता है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मोर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। So angle of incidence is less than angle of refraction because this is going away from normal in the rarer medium. तो ये option right होगा B, क्योंकि third option speed of light दिया है। हमेशा याद रखिए rarer medium में speed ज़्यादा होगा, denser medium में speed कम होगा, तो denser to rarer में जा रहा तो speed increase होना चाहिए, यहाँ पर decrease दिया। तो अभी speed के बारे में भी आप रिवाइज कर सकते हैं, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। और स्पीड रिमेंस द सेम, तो स्पीड तो चेंज होगा ही बिकॉज इट इज़ गोइंग टू डिफरेंट मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, दैट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम दिया है। ओके, तो डायग्राम में देखिए ये रे इंसिडेंट रे, एरो से भी पता चल रहा है, और ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, तो ये पता चल रहा है। तो अभी ऑप्शन से बी इज इंसिडेंट रे, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये फॉल्स हो गया। ए इज इंसिडेंट रे हो सकता है, लेकिन बी इज रिफ्रैक्टेड रे दिया, तो बी इज रिफ्लेक्टेड रे, इज कमिंग बैक टू द सेम मीडियम, तो सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। फिर सी इज इंसिडेंट रे हो नहीं सकता, ए इज इंसिडेंट रे, बी इज C is refracted ray, ये सही है, तो D is right, ओके, क्योंकि ये incident ray और ये refracted, क्योंकि it is bending away from normal, there is a bending in the path of light, so
सो सी इज़ द रिफ्रैक्टिव रे, तो ये ठीक हो रहा है. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज दैट विल बी फॉर्म्ड इन दिस डायग्राम. ठीक है, अब डायग्राम में देखिए ये कन्वेक्स लेंस है, ये फोकस है, फर्स्ट फोकस, ये सेकंड फोकस, अभी ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया. तो अभी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा होगा? अभी हम जानते हैं कि ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब रखते हैं, द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस, फर्स्ट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, देन दिस इज द स्पेशल केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, इज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना. तो क्या होगा, रियल इमेज नहीं बनेगा, डिमिनिश्ड नहीं होगा, फॉर्मड विद इन द फोकल लेंथ ये भी नहीं होगा, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा ये. मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. ठीक है, तो इस साइड में इमेज आता है. तो ये आपको सिर्फ ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन देख के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता करना. तो ऐसे ही कन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्केव लेंस के लिए दूसरे डायग्राम्स है, तो वो भी आप पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वाइज आप याद कर सकते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इमेज कहाँ बनेगा, तो ये सब आपको याद रखना. इसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, तो ये हिंट हमें मिल गया, है ना. अभी हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 एक न्यूमेरिकल बेस्ड है, साथ ही कॉन्सेप्ट भी है इसमें. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ मीडियम ए इज 600 नैनोमीटर, द वेव एंटर्स द मीडियम बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. स्टेप्स टू फाइंड द वेवलेंथ इन बी आर गिवन बिलो. ये स्टेप्स दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन यू हैव टू चूज द करेक्ट सीक्वेंस. अभी कौन सा सीक्वेंस सही है, ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है. तो अभी यहाँ पर वेवलेंथ आपको निकालना है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है, वेवलेंथ इन द मीडियम इज इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर या फर्स्ट मीडियम एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम का जिसका ये रेज आ रहा है. ठीक है, तो ये फार्मूला आपको यूज करना, लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा बाई म्यू. तो ये फर्स्ट मीडियम में है, ये सेकेंड मीडियम में, तो अभी कौन सा मैचिंग हो रहा है, तो लेमडा निकालने के लिए लेमडा बाई म्यू करना है. तो लेमडा क्या है, 600 बाई 1.5 आ रहा. तो ये आपका करेक्ट स्टेप है, 600 बाई 1.5, ये नैनोमीटर में रहेगा. तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है पहले, तो पहले आपको सेकंड स्टेप करना है फॉर्मूला में. ठीक है, सेकंड, फिर उसके बाद आप देखेंगे जो सेकंड ऑप्शन पहले है, तो ये पता चल गया. तो अभी इसमें दो ऑप्शन से जो सेकंड स्टेप पहले दिया है, सेकंड, देन थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट एंड फोर्थ, ऐसे दिया. ठीक है, तो ये हमने फिर से लिख देते हैं, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू, तो 600 बाय 1.5. तो ऐसे करने से क्या होगा, 6000 बाय 15, तो 400 आ जाएगा, तो 400 नैनोमीटर. तो आंसर है 400 नैनोमीटर, तो ये स्टेप आ रहा है थर्ड, 400 नैनोमीटर, क्योंकि इसमें देखिए 600 इंटू 1.5, ये गलत स्टेप है, ये 900 होगा नहीं, ये करने से ही आएगा. ठीक है, और ये भी फार्मूला रॉन्ग है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू, जो बेसिक फार्मूला हम पढ़ते हैं लैम्डा के बारे में, रिलेशन विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे. देखिए ये स्टेप है, तो फर्स्ट, सेकंड, देन आंसर आ गया 6000 बाई 15, 400, तो ये आ गया थर्ड.
तो सेकंड देन थर्ड, तो ये ऑप्शन राइट है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ओके ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। द डायग्राम बिलो शोज एन इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस एल एल डैश, अ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रियल इमेज है, तो इससे पता चलता है ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और कहाँ बन रहा है, तो 12 हो गया फोकल लेंथ, 12 × 2 24 यानी कि बियॉन्ड 2f बन रहा है इमेज। देखिए कैसे पता चल रहा है, 12 सेंटीमीटर डबल करिए 24, तो 24 से भी ज़्यादा है, तो बियॉन्ड 2f इमेज बन रहा है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f होना चाहिए। ठीक है, तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी बिटवीन 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, बियॉन्ड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो अभी जैसे ये 12 सेंटीमीटर है, तो बिटवीन 12 एंड 30, तो इसके इधर ये 24 इधर भी हो सकता है, बियॉन्ड 2f भी हो सकता है, इसका मतलब ये हो गया 12 24, तो 30 सेंटीमीटर होता है बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 24 सेंटीमीटर, तो यानी कि यहाँ से इधर होना, बिटवीन 12 एंड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ये पता लग रहा है कि फोकस एंड f एंड 2f के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और विद इन 12 सेंटीमीटर फोकस के बीच में इधर, तो इसमें होने से तो अभी हमने डिस्कस किया मैग्नीफाइंग ग्लास, तो वो नहीं होगा, और बियॉन्ड 2f होता तो इसके बीच में होता है f एंड 2f, तो जो कि आपको 12 एंड 24 के बीच में, तो ये आंसर आपको सी इसमें मार्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इसका कैलकुलेशन से हम निकालें, है ना, वो भी कर सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सो 1/12 फोकल लेंथ दिया है और ये कन्वेक्स लेंस है, तो प्लस 1/v, सो v इस साइड में प्लस साइड में, सो 36 माइनस 1/u हमको निकालना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सो 1/u इक्वल्स टू 1/36 माइनस 1/12, सो 36 एलसीएम कर लीजिए और 1 − 3, सो −2/36 माइनस 1/18, तो इसका मतलब है यू इज इक्वल टू −18 सेंटीमीटर। तो देखिए जो कि आ रहा है बिटवीन 12 एंड 24 सेंटीमीटर द लेफ्ट साइड, तो इसलिए ये माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड में, नेगेटिव साइड में डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर, तो ये 12 और 24 के बीच में आना है। और वो आप ऐसे भी कर सकते हैं ये फॉर्मूला लगा के, नहीं तो प्रॉपर्टीज से भी आप पता कर सकते हैं कि ये आंसर राइट होगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोकस पावर के बारे में बताया है ना, पावर का पी इज इक्वल टू 1/f और इसमें 1/12। अभी याद रखना है कि फोकल लेंथ मीटर में होगा तभी ये डायप्टर में आएगा। देखिए आंसर सब डायप्टर्स में दिए हैं, तो इसका मतलब आपको कन्वर्ट करना है, सो 12/100 दैट इज 100/12 हो जाएगा, सो 25/3, सो 8 × 24 = 33। ठीक है, तो ये पावर हो जाएगा 8.33 डायप्टर
और क्योंकि फोकल लेंथ प्लस है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर ये आंसर राइट होगा, प्लस 8.33 डी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ साइन कन्वेंशन, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए अभी इसमें सॉल्व करना है, जो हमने पहले कर लिया। तो ये फॉर्मूला लगाइए, एफ दिया है, वी दिया है, फिर फॉर्मूला लगाइए, एफ पॉजिटिव है, वी भी पॉजिटिव, यू नेगेटिव होता है, बट डोंट पुट द साइन फॉर अननोन वैल्यूज़। तो इसमें हम माइनस नहीं लिखेंगे, ओके। जब वैल्यू मालूम होगा तभी माइनस साइन लिखेंगे, अननोन के लिए साइन नहीं लगाएंगे, तो याद रखना, बिकॉज़ यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तो मालूम है यू नेगेटिव होगा तो फिर भी नहीं लगाएंगे, ये अननोन है। देखिए आंसर में अपने आप आ जाता है प्रॉपर साइन, तो इसको सॉल्व कीजिए। ये 1/u को इधर लेके आइए, 1/12 को इधर लेके आइए, तो यू नो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशंस। ओके, देन सो वी आर गेटिंग यू इज़ -18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखा है विथ साइन कन्वेंशन, तो इसलिए माइनस लिखना, तो ये करेक्ट है। नंबर ए, इफ द लेंस इज रिप्लेस्ड बाई अनदर लेंस ऑफ सेम टाइप, इसका मतलब कन्वेक्स लेंस ही रखना है लेकिन फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हो, देन फॉर द सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेज डिक्रीजेज, इंक्रीजेज साइज ऑफ द इमेज रिमेन्स द सेम, फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इज इनसफिशियंट। तो अभी इसमें आप चाहे तो एक्चुअली कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। मतलब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है, यानी कि -18 ले लीजिए, ठीक है, फोकल लेंथ 15 हो गया, तो वी निकाल लीजिए, वी निकाल के फिर मैग्नीफिकेशन चेक कर लीजिए, तो मैग्नीफिकेशन पता चल जाएगा कि ये बड़ा होगा कि छोटा होगा। ठीक है, तो अभी वो लंबा प्रोसेस हो गया, अभी शॉर्ट प्रोसेस में कैसे करेंगे, तो हमेशा याद रखिए, अभी हमने जो पहला क्वेश्चन किया था ना, पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन था, तो उसमें से थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। और ये समझ लीजिए कि जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास में आते हैं लाते हैं, ठीक है, तो उसका मैग्नीफिकेशन बढ़ जाता है क्योंकि यू कम हो जाता है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन बढ़ जाता है तो इमेज बड़ा हो जाएगा, ओके, इमेज बड़ा होगा। अभी ये लेंस से हम इसका फोकल लेंथ 12 है, अभी हम 18 सेंटीमीटर दूर रख रहे हैं, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, जब लेंस लेंगे जो बड़ा जो फोकल लेंथ है अभी 15 सेंटीमीटर है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ऑब्जेक्ट अभी इससे थोड़ा पास में रखा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 12 है, ऐसे देख लीजिए, ये 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये 12 24, 12 24, अभी 18 में रखा अपने ऐसे, ठीक है, यानी कि ठीक एफ और 2F के बीच में रखा है, ठीक बीच में रखे, ये 16 18 ठीक बीच में आता है ना, 12 प्लस 6 18 प्लस 6। अभी इसी लेंस को इसी जगह पे फोकल लेंथ 15 कर दिया, तो ये 30 हो जाएगा, लेकिन ये तो सेम है, सेम डिस्टेंस होता है ना। देखिए अभी F 2F, अभी लग रहा है ना ये ऑब्जेक्ट जो है ये फोकस के साथ साइड में आ गया, देखिए फोकस के पास में आ गया, सिर्फ 3 सेंटीमीटर का गैप है इसमें, 15 18, तो ऐसा लग रहा है कि हमने ये ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ ले गया। तो अभी हमने क्या पैटर्न देखते हैं, जितना इमेज ऑब्जेक्ट को पास में लेके आएंगे इमेज बड़ा होगा, तो वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो एज इफ वी हैव शिफ्टेड द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द फोकस, दैट मीन्स टूवर्ड्स द लेंस, लेंस की तरफ ले जा रहे हैं,
तो ऑब्जेक्ट का साइज़, इमेज का साइज़ बढ़ जाएगा क्योंकि ये थोड़ा पास में आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम समझेंगे, तो इसलिए ये इंक्रीजेस हो, तो इसका आंसर होगा इंक्रीजेस। तो आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए, पहला केस में मैग्निफिकेशन वी बाई यू, तो ये 36 V हो गया और यू -18 हमें निकाला, तो ये -2, ये 2 टाइम्स बड़ा होगा। ठीक है, इमेज अभी नया लेंस का फोकल लेंथ है 15 और सेम ऑब्जेक्ट सेम प्लेस में रखेंगे तो 1/V, वी मालूम नहीं है, -1/U, तो यू का -18 पुट कर दीजिए, तो देखिए ये 1/V +1/18, तो 1/V हो जाएगा 1/15 -1/18, तो यहाँ हमको आ रहा है एलसीएम ले लीजिए 90, फिर 6 -5, ओके 6 -5, तो ये 1/90 आ रहा है, तो वी 90 सेंटीमीटर। तो एम डैश कितना होगा, नया इमेज वी बाई यू 90 by -18, तो -5 आ रहा है, तो देखिए 5 टाइम्स इमेज हो जाए। पहले इस केस में 2 टाइम्स और लेंस रिप्लेस कर दिए, 5 टाइम्स, तो इमेज का साइज़ बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, अभी हम दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, वो भी 10 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, द यूजेबल फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगा यूजफुल फॉर्म, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज अ बॉडी ड्यू टू रेस्ट एंड द चेंज्ड कन्फिग्रेशन, तो उसमें पहले उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी इज़ द यूजेबल फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स, बट पोटेंशियल एनर्जी कैन बी चेंज्ड इनटू ओनली काइनेटिक एनर्जी, देन इट कैन बी पुट टू यूज़। ओके, नंबर 8 नेक्स्ट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू ऐड कीजिए, लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड है, रेशियो क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह से है, इफ ए एंड बी आर सेम मास, दो टू पर्सन्स आर देयर, सो आर सेम मास कैन क्लाइम द थर्ड फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग इन 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ द पावर ऑफ ए टू द पावर ऑफ बी इज 1:1, 3:5, 5 इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन एंड 5:3। तो इसको कैसे करना है, देखिए सेम मास है, सेम हाइट है, ठीक है, तो दोनों का वर्क डन सेम होगा, क्योंकि वर्क डन हो जाएगा MgH, मास सेम है, जी तो सेम है ही, हाइट भी सेम है, तो दोनों का वर्क डन, वर्क डन ए इज इक्वल टू वर्क डन बी। अभी पावर पावर ऑफ ए इज वर्क डन बाई ए बाई टाइम ऑफ ए, फिर पावर ऑफ बी हम लिख सकते हैं वर्क डन बाई ए बाई टाइम ऑफ बी, तो रेशियो निकालेंगे पी ए बाई पी बी का, तो डब्ल्यू ए बाई टी ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी बाई टी बी, ये बी होगा, सॉरी, देन जस्ट अरेंज इट, डब्ल्यू ए बाई टी ए, देखिए टी बी न्यूमरेटर में चला जाएगा, डब्ल्यू बी विल बी हेयर, सो दिस विल बी कैंसल्ड बिकॉज दे आर इक्वल, दे आर इक्वल, डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, वट एवर इज द वैल्यू, ये इक्वल रहेगा। ओके,
देन वी आर लेफ्ट विथ टी बी बाई टी ए। अभी टी बी मतलब दूसरे का टाइम, दूसरे का टाइम क्या है, एक पहला लेता है 3 मिनट्स, दूसरा लेता है 5 मिनट्स। सो 3 मिनट्स बाय 5 मिनट्स, सो टी ए 3 मिनट्स लेता है, टी बी 5 मिनट्स लेता है, तो हमें चाहिए टी बी बाई टी ए, सो 5/3। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पर टी बी, उसमें ब्लाइंडली 3/5 नहीं लिखना। ओके, सो 5:3 इज़ द आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया, सो 5:3 इज द आंसर। और यहाँ पर पावर ऑफ ए टू पावर ऑफ बी बताया। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ सकता है पावर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए भी हो सकता है, उल्टा भी दे सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली लिखना, क्योंकि यहाँ रेशियो देखिए 3:5 है, हम इसको b^(b)^a कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 3:5, तो आप लिखेंगे 5:3 तो गलत हो जाएगा। सो केयरफुली यू हैव टू डू। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से है। सो इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ मीटर स्केल ऑफ मास 80 ग्राम लाइज एट द 45 सेंटीमीटर मार्क, देन व्हिच गिव्स द बैलेंस पोजीशन। तो इसका मैंने जो न्यूमेरिकल एमसीक्यू में वीडियो बनाया, तो उसको देखिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें स्केल बेस्ड में आपको समझ में आएगा। तो इसमें कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर मास ऑफ द स्केल दिया है ना, मास ऑफ द स्केल कहाँ लगेगा, जो वेट है, सॉरी वेट कहाँ पर लगेगा, तो वेट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लगेगा, जो कि डायग्राम में नहीं दिखाया है, आपको यहाँ से लिख के दिया। ठीक है, तो इफ़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ मीटर स्केल ऑफ मास 80 ग्राम लाइज एट 45 सेंटीमीटर मार्क, तो ये 50 है, तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आपका वेट 80 ग्राम, 80 ग्राम फोर्स ले लीजिए। ठीक है, तो ये 80 ग्राम फोर्स 45 सेंटीमीटर मार्क में लग रहा है। तो चलिए मैं आपके लिए फिर से डायग्राम बना देता हूँ। तो 50 इधर है, 45 यहाँ होगा, सो 80 ग्राम फोर्स, फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट 45 सेंटीमीटर मार्क, एंड पाइवट पॉइंट है 60 सेंटीमीटर मार्क, और बाकी जो वेट है इधर सस्पेंडेड है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये देखना है, ये 100 है, सो दिस विल बी 40, एंड ये डिस्टेंस कितना होगा, बिकॉज फल्क्रम और द पाइवट पॉइंट इज एट 60, सभी में 60 दिया है। ठीक है, तो ये 45 हो जाएगा, 60 - 45 तो 15 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अभी इसका बैलेंस पोजीशन में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होना है। अभी ये फिक्स्ड है सब में, ठीक है, इधर वाला सब फिक्स्ड है, 60 60 60 60, एंड वेट इज ऑलवेज एक्टिंग एट 45 45 45 45, वो चेंज नहीं होगा। तो अभी इसका मोमेंट निकाल लेते हैं, 80 फोर्स इंटू डिस्टेंस, सो 80 × 15, 15 कहाँ से आया, ये डिस्टेंस, फोर्स एंड पर एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो 60 - 45, तो ये आया। अभी इधर में देखिए, ये सभी वेट्स एंड में लगाया है, लेकिन अलग अलग 40 ग्राम फोर्स, 45 ग्राम फोर्स, 30 ग्राम फोर्स, यहाँ पर ये 80 ग्राम फोर्स, लेकिन सब एक ही जगह में, तो ये डिस्टेंस भी फिक्स है। तो अभी कौन सा राइट है, तो हम लेके चलिए एक्स लेके कर लेते हैं, तो 40 × x, तो एक्स इज इक्वल टू 30 ग्राम फोर्स, जो कि यहाँ पर जो सस्पेंडेड वेट है वो 30 ग्राम फोर्स होना चाहिए। तो कौन सा मैच हो रहा है, देखिए 40 नहीं हो रहा है,
45 ये हो रहा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड डायग्राम इज करेक्ट। समझ में आ गया? तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है ये 80 × 15 ये फिक्स्ड है। अभी इसमें अलग अलग है, डिस्टेंस फिक्स्ड है 40, तो इसमें आएगा 40 × 40, ठीक है। तो आप चाहे तो एक एक सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही पता चल जाएगा। जैसे 18 × 15 कितना हो गया, 80 × 15 1200 हो गया ग्राम फोर सेंटीमीटर। तो इसके साथ वेरीफाई कर सकते हैं एक एक करके, वो भी एक तरीका है। सो 40 × 40 1600 आ गया, तो रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। 45 × 40 1800 आ गया, 30 × 40 1200 आ गया, ठीक मैच कर रहा, तो ये राइट हो गया। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं, 18 × 40 3200 हो गया, नॉट मैचिंग विद दिस क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट। सो ये थर्ड ऑप्शन राइट है। तो आइडिया से भी कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, अल्टीमेटली आपको मार्क करना है। तो जो जल्दी होता है, जो जल्दी समझ में आता है उसको फॉलो कीजिए। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। बॉडी हैज़ काइनेटिक एनर्जी 250 जूल, इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज़ 5 kg देन चूज इट्स वेलोसिटी एंड मोमेंटम। तो ये 6 ऑप्शंस है, कुछ मोमेंटम है, केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम है, और ये मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो 2 marks, तो काइनेटिक एनर्जी दिया और मास दिया है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए, 1/2 mv². सो काइनेटिक एनर्जी इज 250 जूल। हाफ इंटू मास 5 × v² देन सॉल्व दिस, 250 × 2/5 = v². सो 100 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, सो वी इज इक्वल टू 10 m/s, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू 10 m/s। फिर अभी मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 5 kg, वेलोसिटी आया 10, सो 50 kg/s। तो आप दो आंसर, एक 10 है, एक 50 kg/s, तो सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये 10 m/s एंड 50 kg/s, ये दो राइट आंसर। सो काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए, एंड मोमेंट वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी के बाद मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अ गर्ल एट रेस्ट एट द गेट ऑफ अ सोसाइटी विच इज 3.2 m अबव द रोड, ओके अबव द रोड, कम्स डाउन द स्लोप ए बी ऑन अ साइकिल विदाउट पेडलिंग। तो ये भी यहाँ पर ही गेट है, और ये स्लोप है इधर, ये रोड है, ये स्लोपिंग से आएगा विदाउट पैडलिंग, क्योंकि इसके बस अभी हाइट में है ना, ये हाइट 3.2 m हाइट है अबव द रोड, ये रोड लेवल है। तो इसके पास अभी कौन सा एनर्जी है वही बता रहा है, सिचुएशन ये है। द मैकेनिकल एनर्जी पोजेस्ड बाय द गर्ल एट बी, तो कौन सा एनर्जी है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वाइब्रेशनल तो नहीं है, ट्रांसलेशन भी नहीं है, बॉज द गर्ल इज एट रेस्ट है ना, जब वह बी में है तो, बट सी इज एट हाइट, तो इलास्टिक भी नहीं है बिकॉज कोई शेप चेंज नहीं है, सो ग्रेविटेशनल, सी इज एट हाइट, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो फुल्ली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी विद विच गर्ल रीचेज द पॉइंट ए। अभी ये
जो विदाउट पेडलिंग ये नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। तो क्यों नीचे आ सकती है विदाउट पेडलिंग? वाई सी डजन हैव टू पेडल बिकॉज सी हैज़ गॉट एनर्जी। सो विद दैट पोटेंशियल एनर्जी सो सी कैन कम डाउन। एज सी कम्स डाउन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, देन दैट विल चेंज इन टू काइनेटिक एनर्जी, देन सी विल स्टार्ट मूविंग, देन रीच द रोड लेवल। ओके, सो द क्वेश्चन इज वेलोसिटी विथ विच गर्ल रीचेज द पॉइंट ए। तो यहाँ पर जब आ जाती है नीचे, जब यहाँ पर आ जाएगी ना, तो कॉन्सेप्ट क्या है, हाइट जीरो हो गया बिकॉज वी हैव मेजर्ड द हाइट ऑफ द गर्ल राइट फ्रॉम द रोड लेवल। तो अभी ये रोड में आ गए तो हाइट जीरो हो गया, तो रेफरेंस लाइन में आ गई वो। ओके, सो जीरो हाइट, सो जीरो पोटेंशियल, सो वेर इज दैट एनर्जी नाउ? दैट इज टोटली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है बी में, वो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, और यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी ये हाफ एम बी स्क्वायर, ये सिचुएशन। मास दिया है 40 kg, मास ऑफ द गर्ल इज 40 kg। तो व्हेन सी कम्स टू द रोड लेवल, देन द पोटेंशियल एनर्जी एट बी हैज चेंज्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी टोटली। सो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, एम जी एच। सो हियर मास इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्चुअली मास इज कैंसल्ड, देन हाफ वी स्क्वायर यू नीड, जी इज गिवन 10, हाइट इज 3.2 meters। सो चेक द यूनिट अगेन, दिस इज गिवन इन मीटर, समटाइम्स इट विल बी गिवन सेंटीमीटर। यू कैनॉट पुट 10 meters per second square into 32 meters or 32 centimeters like that. So you have to change it. So v square is equal to 32 into 2. So v square equals to 64. So v is equal to root over 64. That is 8. So 8 meters per second is the answer. Now check the option. Is where is 8 or not? There is 8 or not? Yeah. So this is, so this option is correct. So C option is correct, 8 meters per second. Next is, so next question is, if the mass of the girl is 40 kg, then kinetic energy of the girl at A is, now they are asking kinetic energy. So humne dekh liya ki potential energy is equal to kinetic energy, hai na? So hum अब चाहे तो एम जी एच भी लगा सकते हैं और हाफ एम बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो एनर्जी था उसके पास हाइट में वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है। अभी हमारे पास वी भी है तो यूज़ कर सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर। सो 1280 जूल आ रहा है। यदि एम जी एच लेके करना चाहते हैं तो 40 × 10 × height 3.2, तो इससे भी आपको आंसर 1280 ही आएगा। ओके, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ था वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं, इसमें ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। सो आंसर इज 1280 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट पार्ट है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गर्ल एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, जब मिड पॉइंट पे आएगी तो कितना एनर्जी होगा? अभी जो गर्ल है वो मिड पॉइंट ऑफ द स्लोप में आ गई। ठीक है, ये हाइट 3.2 है, ये हाइट डैश है। ठीक है, तो यदि हम लेते हैं h डैश बाई 3.2 ले लेते हैं, तो ए है, बी है, सी है, तो हो जाएगा h डैश के लिए ए सी,
और पूरे के लिए ए बी, तो एच डैश बाई 3.2 और ए सी इज़ हाफ ऑफ ए बी, सॉरी ए सी इज़ हाफ ऑफ ए बी, हाँ ए बी बाई ए बी, तो एच डैश हो जाएगा 1.6। तो इसका मतलब मिड पॉइंट आएगा तो हाइट भी मिड पॉइंट हो जाएगा। ये सिमिलर ट्राइंगल से किया तो अभी हाइट 1.6, तो एम जी एच निकाल लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी 40 kg 10 × 1.6, सो 400 × 1.6 640 जूल, तो 640 जूल आ गया आंसर। तो आंसर हो जाएगा 640 हाफ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी द मिड पॉइंट ऑफ द स्लोप, तो इस तरह से आप निकालें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जो अगले जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 3 एंड 4, वो मैं दूसरे वीडियो में लेके आऊँगा। तो पहले इसको रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।